काफ़ी आसानी से ये भी हिलता भी नहीं है और फिर यहाँ पे इजीली यहाँ पे सोल्डिंग हो रहा है। है गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसआई पावर एक्सपेरिमेंट। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं बनाकर दिखाऊंगा एक सोल्डरिंग ऑब्जेक्ट स्टैंड, जिसे यूज करके आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को इजीली सोल्डरिंग कर सकते हैं। तो इसे बनाना काफ़ी इजीली, आप इजीली से घर पर ही बना सकते हो। तो इसे बनाने के लिए कोई से ज़्यादा अमाउंट नहीं दरकार है, तो आप इसे 10 रुपये से लेकर 20 रुपये के अंदर में इजिली बन जाता है। तो इसे बनाने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप के। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो बिना किसी देरी के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी पीसेस को यहाँ पे मैं कटिंग कर लिया हूँ। फ्रेंड, ये जो मैं यहाँ पे यूज किया हूँ, फ्रेंड ये एमडीएफ बोर्ड नहीं है, ये हमारा है प्लाईबोर्ड। फ्रेंड, ये जो प्लाईबोर्ड का यहाँ पे यूज किया हूँ, 5 mm थिकनेस है इसका। और मैं इसे क्या किया हूँ ना फ्रेंड, इसके ऊपर एक ब्राउन कलर का था तो अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं यहाँ पे सैंड पेपर से रफ कर देने के बाद फ्रेंड ये हमारा हो गया है 4 mm, और 1 mm जो था यहाँ पे रिमूव कर दिया हूँ उसे। तो फ्रेंड, अगर मैं इसकी मेजरमेंट की बात करूँ तो ये इसका जो लंबाई है फ्रेंड ये हमारा 100 mm, और इसका जो चौड़ाई है फ्रेंड ये हमारा 70 mm, मतलब कि 70 mm का है। तो फ्रेंड, उसके बाद देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से पीसेस में यहाँ पे कट किया हूँ। फ्रेंड, इसका जो लंबाई है फ्रेंड ये हमारा है 20 mm, और इसका जो चौड़ाई है फ्रेंड ये हमारा है 15 mm। तो ऊपर से देख सकते हैं इसके साइड को, मतलब कि ऊपर के यहाँ पे मैं सर्कल टाइप का यहाँ पे कर लिया हूँ फ्रेंड, काफ़ी देखने को अच्छा लगता है। तो इन दोनों का फ्रेंड मैं इसी तरह के यहाँ पे 4 पीसेस में कट किया हूँ। तो मैं बता देता हूँ फ्रेंड, इन दोनों क्या करना है, हमें इस तरह से रखना है इसके मिड सेंटर पॉइंट में। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड यहाँ पे इसको सेंटर पॉइंट इसके काट लेता हूँ। तो फ्रेंड, इसका जो सेंटर पॉइंट था मैं फिर ड्रॉ कर लिया हूँ फ्रेंड। अब इन दोनों का हमें कुछ इस तरह से रखना है यहाँ पे। तो फ्रेंड, इसका जो एक मतलब के बीच बीच में यहाँ पे जो गैप रखा हूँ फ्रेंड, इस तरह से देख सकते हैं जो पीसेस है। तो हमें क्या करना है, इसे यहाँ पे इस तरह से रखना है। तो कुछ इस तरह से हमें सेट करना है फ्रेंड। इसका अगर मैं मेजरमेंट की बात करूँ फ्रेंड, इसका जो थिकनेस है 5 mm, और जो फ्रेंड इसका जो लंबाई है फ्रेंड ये हमारा 60 mm, और इसका चौड़ाई है फ्रेंड 15 mm। तो ऊपर से देख सकते हैं सेम उसी साइज का यहाँ पे मैं यहाँ पे सर्कल की तरह कर लिया हूँ दोनों साइड। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं एक होल किया हूँ फ्रेंड, इसी तरह हमें यहाँ पर भी होल करना है। देख सकते हैं यहाँ पे निशान दिया हूँ, और इन दोनों में भी होल करना है देख सकते हैं। तो फ्रेंड इसके भी यहाँ पर एक निशान दिया हूँ और यहाँ पर एक निशान है, तो हमें होल करना है। तो मैं फटाफट इसे होल कर लेता हूँ, और मैं बाकी भी यहाँ पर जितना पीसेस को यहाँ पर सभी मैं इसे होल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी पे यहाँ पे 5 mm को, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ दूरी है 5 mm, तो यहाँ पे एक पॉइंट निशान दिया हूँ, तो यहीं पे हमें होल करना है। तो मैं फटाफट यहाँ पे कर लेता हूँ होल सभी में। तो फ्रेंड, अब इन दोनों को यहाँ पे चिपकाना है फ्रेंड। तो ये हमारा जो हमने यहाँ पे लिया था 65 mm का, तो यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं स्क्रू से यहाँ पे टाइट कर लेता हूँ इसे नॉट से। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रू को मैं यहाँ पे टाइट कर लिया, और मैं इसे फेविक्विक की मदद से इसे चिपका देता हूँ फ्रेंड। मैं इसलिए यहाँ पे स्क्रू को लगाया था क्योंकि हम जब भी इसके साइड में फेविक्विक को डालें तो ये हिले ना। तो देख सकते हैं फेविक्विक से अच्छी तरीके से हमारा चपक गया है और काफ़ी हैवी भी हो गया है। तो इसी तरह से मैं और एक पीस ले आऊँ। तो फ्रेंड, इसका जो लंबाई है 80 mm, और इसका चौड़ाई है 15 mm। तो यहाँ से देख सकते हैं ऊपर नीचे दोनों में होल कर लिया, और मीट से मतलब कि मीट सेंटर में मैं एक लाइन खींचा हूँ। तो इन दोनों पीसेस को यहाँ पे फेविक्विक से चिपकाना है। सबसे पहले मैं इसे भी खोल लेता हूँ, और इसके जगह में यहाँ पे मैं स्क्रू को लगा लेता हूँ फ्रेंड। इस तरह से जिस तरह से हम उसको लगाए थे, मतलब कि वहाँ पे फेविक्विक के चिपकाए थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें चिपकाना है सेम सेंटर जगह में। तो फ्रेंड, इसे भी अच्छी तरीके से फेविक्विक से चिपका देना है क्योंकि ये बार बार निकले ना। तो यहाँ से फेविक्विक से ये अच्छी तरह से चिपक गए, तो यहाँ पर भी मैं यहाँ पर नॉट की मदद से इसे भी यहाँ पर टाइट कर लेता हूँ फटाफट। तो फ्रेंड, इसके बाद देख सकते हैं और मैं यहाँ पे 2 पीस लिया हूँ फ्रेंड। इसका जो लंबाई है 40 mm, और इसका चौड़ाई है यहाँ पे 15 mm। तो फ्रेंड आगे का यहाँ पे कुछ सर्कल टाइप का कर लिया हूँ फ्रेंड, इसे भी हमें यहाँ पे स्क्रू की वजह से यहाँ पे टाइट करना है। तो इससे पहले यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे 2 क्रोकोडाइल कैप का यूज किया हूँ फ्रेंड। सबसे पहले इसका कैप को मैं बाहर कर लेता हूँ क्योंकि इसका कैप को हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से चिपकाना है फेविक्विक से। तो मैं इसे भी यहाँ पे चिपका लेता हूँ दोनों को।
तो इन दोनों को मैं यहाँ पे चिपका लिया हूँ फ्रेंड। अब मैं इसे यहाँ पे स्क्रू की मदद से इसे भी हमें यहाँ पे टाइट कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसे टाइट कर लिया हूँ फ्रेंड। अब जो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, तो इसे जिस तरह से कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं इस तरह से कर दिया और इस तरह से फ्रेंड इसे कितना एंगल दे सकते हैं इसे आप जिस तरह चाहें उस तरह कर सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड अब देखने में इसे काफ़ी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड इसके ऊपर मैं थोड़ा सा यहाँ पर कलरिंग कर लेता हूँ। इसे कलरिंग करने के लिए मैं यहाँ पे सब पार्ट को अलग अलग कर लिया हूँ। तो फ्रेंड अब मैं इसमें कलरिंग करने वाला हूँ। तो फ्रेंड इसे कलरिंग करने के लिए मैं यहाँ पे यूज किया हूँ ब्लू कलर और यहाँ पे यूज किया हूँ स्प्रे कलर। तो फ्रेंड आपके पास जो कलर अवेलेबल हो आप उस कलर को यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं सभी को यहाँ पे कलरिंग कर दिया हूँ, और जिस तरह से मैं हर एक पार्ट को खोला था उसी तरह से मैं यहाँ पे फिर से असेंबल कर लेता हूँ फटाफट। तो यहाँ से देख सकते हैं मैं इसे फिट कर लिया हूँ फ्रेंड। अब इसे देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, इसे जो भी एंगल करना चाहता हूँ फ्रेंड ये रोटेट हो जाता है और मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड इसे यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैं कुछ यहाँ पे कंपोनेंट लिया हूँ, उसे सोल्डरिंग करके दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं यहाँ पे सोल्डरिंग कर रहा हूँ फ्रेंड। देख सकते हैं एक मैंने यहाँ पे चार्जिंग मोटर लिया हूँ, दूसरे यहाँ पे एक आईसी और यहाँ पे एक एलईडी लिया हूँ फ्रेंड। इन सभी को मैं यहाँ पे सोल्डरिंग करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड सबसे पहले चार्जिंग मोटर को मैं यहाँ पे सोल्डरिंग करके दिखा देता हूँ फ्रेंड। जैसे कि हमारा जो दो यहाँ पे जो मैं क्रोकोडाइल लगाया हूँ कैप, तो फ्रेंड इस क्रोकोडाइल जो लगा हूँ यहाँ पे काफ़ी छोटा छोटा है, आप यहाँ पे बड़ा वाला भी लगा सकते हैं कि बड़ा आप जो कुछ सोल्डरिंग करेंगे तो इजीली यहाँ पे कर पाएंगे। तो मैं इसे यहाँ पे एक करके दिखा रहा हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह एक लगा लिया हूँ, तो इसे मैं यहाँ इस तरह लगा लेता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं काफ़ी इजीली से काफ़ी अच्छा से यहाँ पे जो हमारा तो चार्जिंग जो मॉडल था यहाँ पे अच्छे से स्टेबल हो गया है। तो फ्रेंड इसे मैं यहाँ पे सोल्डरिंग करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी आसानी से ये भी हिलता भी नहीं है और फिर यहाँ पे इजीली यहाँ पे सोल्डरिंग हो रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे एक ही यहाँ पे वायर लगा के दिखाया हूँ फ्रेंड। देख सकते हैं काफ़ी आसानी से यहाँ पे हमारा जो सोल्डरिंग भी हो रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं हिलता भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसे करके दिखा दूँ फ्रेंड। फ्रेंड ये हमारे पास है एलईडी, तो एलईडी को मैं यहाँ पे सोल्डरिंग करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पे एक वायर लिया हूँ उसे सोल्डरिंग करने के लिए, तो मैं इसे प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड इसके मदद से यहाँ पे देख सकते हैं मैं दोनों को यहाँ पे सोल्डरिंग करके दिखा दिया हूँ। जो बीच पर जो मैं दिखाया था आईसी फ्रेंड इसे मैं नहीं दिया करा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन फ्रेंड इसे भी आप इजीली यहाँ पे सोल्डरिंग कर सकते हैं इसके जरिए से। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा, मतलब कि ये हमारा प्रोजेक्ट कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जब तक अभी तक नहीं लाइक किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मुझे बताइए कमेंट में कैसा लगा आपको इसका फिनिशिंग और इसका डिज़ाइन। तो फ्रेंड देख सकते हैं बिना हाथ जले आप इसे इजीली यहाँ पे मतलब सोल्डरिंग कर सकते हैं और काफ़ी इजीली मतलब इसे कम रुपये में आप इसे बना भी सकते हैं आपके घर पर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा मतलब कि छोटा छोटा यहाँ पे क्रोकोडाइल कैप लगाया हूँ, क्लिप लगाया हूँ, आप यहाँ पे बड़ा वाला भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं कोई भी ऐसा बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर।